वो धरी के अबे तो गांडू लड़ गाय जी हमारा दोस्त है चलो चलो बेटा इसके 5 साल बाद इसके मिल रहे अपने बेटे से बिगड़ गया था। अब एक दिन में इसको सुधारने का जिम्मा है चाचा हैया दूसरे बोल रहे चाचा है बाप दूसरा बाप देख लो उम्र देख के पता कर सकते हो कौन किसका बाप बुढ़ा तो हम लगी रहे गाय जी से बारे में हम बात बताएं गाय हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये लड़का ऑफ कैमरा बहुत बात कर रहा है इसीलिए हम इसे ऑन कैमरा बात करेंगे करो बात अरे अरे सॉक्स खुल गया अंदर में क्या खुल गया मोजा ऐसे चमन चूतिए लड़के की तब से हमको पार्क में जॉगिंग करा रहा है कुछ आइडिया है सर आपको बस बाहर ही बाहर निकलते मिल जाए स्मार्ट कैसे लगे हेलो भाई देखिए बात बात ये है कि ये घूमने आया है दिल्ली चेन्नई से हम लोग यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं मेरा 4 महीना हुआ रहा हुआ इसका 4 साल हो गया रहा हुआ लेकिन कोई अभी तक घूमा नहीं है दिल्ली अच्छे से बताओ में क्या कमा रहा है 4 साल में कुछ नहीं कमा रहा है बस पढ़ाई लिखाई कंट्रोल अपने लाइफ पे गाइज लंदन से आया मेरा दोस्त ये ऑर्डर कर रहा है बर्गर और इसको आ नहीं रहा है समझ में गाइज हाँ आप लीजिए ऑर्डर लीजिए ये पागल लड़का है तो रात ही में इसका ब्रेकअप हुआ पता है कि नहीं अच्छा पता कि नहीं हुआ अभी तो अभी भी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी कल रात में अबे 396 क्यों पे कर रहा है भाई दूसरे का स्किनर है अच्छा वाह यहाँ भी चेन्नई वाले जीत गए दिल्ली वाले के सामने चेन्नई वाले काफी तेज होते हैं किस में हर चीज में लड़की पटाने तेज हो ना, क्या वास्ता सच बताया तुमको सेक्सी तो लग रहा है प्रतीक तुम देख लो तुम्हारे से बेमानी हो चुका है ये लड़का अकेले आके खा लिया और खुद अकेले खा लिया हमसे पूछा भी नहीं अरे साला कितना झूठ अरे बम फूटा एटम बम वाओ गाइस हम हमारा एक साथी 5 साल पुराना हम लोग इस सीपी के रोड पे भटक रहे हैं और भटकते भटकते पता है बात क्या कर रहे हैं 5 साल पहले का बात आगे का 5 साल का बात क्या किए थे हम लोग और क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं तुम लोग तो एक ही हो गया ना क्या करेंगे हाँ क्या करेंगे क्या करने वाले कोई नहीं गाइस थोड़ा साइको टाइप का और बताओ और कैसा लग रहा है दिल्ली भाई बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे मस्त साले बताए भाई हम तुमको इसके बारे में बता रहे हैं पूरा डिटेल में लड़का के बारे में कि हम इसके साथ 10th और 12th साथ में किए और जेई का तैयारी हम लोग साथ में किए तैयारी ही नहीं कि हम लोग NIT भी निकाले थे भाई दोस्तों 10th तक मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट काफी अच्छा पढ़ने में था मुझे मिला ये पटना का विजन N25 बैच पहला ब्रांच ठीक है उस पर मिला ये भाई डाउनफॉल जो आया है साला अभी तक नहीं छूटा फिर मिल गया अच्छा ये बताओ इस बीच में हम तुमको 5 साल का गैप दिए हुए थे ठीक है हाँ। तुम क्या कब आ रहा अरे भाई एक बार जब आ जाता ना डाउनफॉल कौन सा 5 साल तो कभी बात नहीं होता ये बात बताओ हमको हम लोगों को लाइट का कमी आ रहा है ऐसा क्यों चूंकि लाइट है नहीं इसीलिए तो बेसिकली बात यही है कि इससे हम 5 साल बाद मिल रहे हैं आज के दिन में ठीक है ये है एक और दोस्त है जो कि अभी घर पे गया है कुछ काम से वो भी आता है तो उसको भी मिलवाएंगे मतलब कि एक हम लोग का ऐसा था ना जो सुबह सुबह उठते थे फोन से साले रात सोते थे फोन से ना इसको लड़की का जरूरत हमको जरूरत क्योंकि मिलने वाला था नहीं और कभी कभी एहसास ही नहीं करवाया गया कि आपके लाइफ में लड़की का कुछ रोल हो सकता है 12 से 15 कॉल डेली एक DPP सोल्व करना और जाकर डाउट पूछना मैंने कुछ कबरा नहीं लेकिन आज भी हमको कौन था बे RK झा MKS KRS बाप रे बाप KRS गाय जो हम जो दूसरा दोस्त का अपने बात कर रहे थे वही दोस्त है अभी गया था कुछ काम से अपने रूम पे और एक हमारा ये बात क्या किया है नहीं नहीं अच्छा ही बात किया है सर बहुत अच्छा वाला बात अच्छा प्रतीक एक बात तुम मानते हो कि नहीं लौंडा स्मार्ट हो गया डैपर है डैपर डैपर मतलब
भैया बता दिया करो, हम तो नहीं समझते, प्लस हमारे सब्सक्राइबर भी नहीं समझते हैं क्योंकि जो 890 जो सब्सक्राइबर है ना सारा देसी ही है। हाँ, देसी है तो कोई बात नहीं, इसके सब्सक्राइबर में एक हम भी है जो अच्छा। ब्लॉग को फॉलो करते हैं कंटिन्यू। हम भी अच्छा, ए ये फॉलो करता है, शर्म नहीं आता है सर, भगवान से झूठ बोलो सर। दिल्ली में रात को हम लोग, हाँ बोलिए, दिल्ली में रात को हम लोग सीपी पैलेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, 4 महीने हो गए आए हुए और एक्सप्लोर के नाम पर क्या कर रहे हैं, बैठ गए थी स्टिंगी पी रहे हैं सिर्फ लाल बियर और हरियाली को देख रहे हैं, हरियाली को देख रहे हैं, हरियाली को देख रहे हैं, हरियाली मतलब ऐसे देख सकते हैं नहीं, हरियाली हमको देख रही है। हाँ भाई माटी है, हम लोग बस ये खाली है जो हमारे सर्कल में एक ये है जिसपे आप मतलब देख के भी पता चल ही रहा होगा। और हाँ गाइस कमेंट कर लीजिए भाई, इतना तगड़ा बियर्ड भाई साहब, जिस दिन हमको हो जाए हैंडसमनेस है, मतलब एक एक बात पता है तुमको, एक बात पता है यंग चैप है सर, बता है एक बात बताया आपको, लास्ट मंथ एक लड़की को प्रपोज की थी, एक लड़की जबरदस्ती भाई, क्या भाई है, है भाई है, अभी हमें स्नैपचैट बता रहे तुमको जो हमको चैटिंग किए हो। मैं बता रहा हूँ भाई, देखिए बात ऐसे है कि पहले ये जीटीबी नगर में रहता था, वहाँ से ये दूसरी जगह शिफ्ट होगा, उसके पीछे कारण ये है कि जीटीबी नगर के पीछे लाइन इतनी थी ना, करियर पे फोकस नहीं कर पा रहा था, करियर ओरिएंटेड बच्चा इसका, इसका गोल होल में बदल चुका था ना, होल को गोल में बदल दिया, ये जज्बा होना चाहिए। तो आगे आपसे फिर मिलते हैं, नहीं नहीं आगे नहीं, आप बताइए सर थोड़ा फ्लैशबैक में पीछे जाइए ना सर, जो 5 साल पहले हम लोग थे गाइस, अभी हम आप लोगों को फोटो दिखा रहे हैं, हम लोग क्या थे ठीक है, हम लोग का फोटो कैसा था ठीक है, हम लोग कैसा दिखते थे ठीक है सर, वैसा सर नहीं, 5 साल गाइस 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 जो हम लोग दिखते थे वैसा फोटो भी हम थंबनेल पे दिखाएंगे, थंबनेल नहीं अभी क्या डिस्प्ले पे दिखाएंगे, अभी और अभी में दम अंतर पता कर सकते हैं। देखिए 5 साल पहले हम लोग 5 साल हो गए, नहीं यहाँ से बताइए सर, हम लोग बीजन में थे वहाँ से 5 साल, आप 11 का बताइए, आप 12 का बताइए सर, 11 में थोड़ा जोर से, हाँ 12 का बताते हैं हम लोग, F23 मतलब फाइटर 23 थे ठीक है, सबसे पहली बात की 110 बच्चे थे और सबको अंडर 100 आना था और नाम से ही क्लियर था फाइटर, मतलब फाइट करना है जेई के लिए, ऐसा था N25 में जो हमारा पहला दिन था, नेशन 25 था ना, हाँ नेशन 11th वाला नेशन 25 था, उसमें 110 बच्चे थे पहले दिन बैच में, हाँ। एक आई वर्षा जो की इंस्टीट्यूट की एक तरह से HR मैनेजिंग हेड थी, नहीं इसका कुछ और बताइए, रोहित की गर्लफ्रेंड, रोहित की अभागा गर्लफ्रेंड, तो उसके साथ सीन क्या, मतलब वो आई, वो बोलती है 110 बच्चे थे क्लास में, बोलती है कि आप 110 बच्चों को 100 के अंदर लाना है, कैसे कैसे, वो छोड़ वो नहीं, वो पता ही नहीं, और भाई इतिहास ऐसा है कि 110 में से क्या पूरे विजन में किसी का 110 नहीं आया, 100 लेगेसी उनका कंटिन्यू था उस टाइम पे भी, तो फाइटर बैच का बताते आपको, 11th तो हम लोगों ने वैसे ही खोखला निकल गया, बताऊंगा नहीं कैसे निकला, अगर बता दिया तो पढ़ने वाले बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप बता रहा हूँ फाइटर के बारे में आपको, फाइटर में हम लोग सब ने डिसाइड किया कि हम सब एक साथ, 11th खराब हुआ है, 12th पढ़ेंगे और 11th को भी बैकअप करते चलेंगे, तो हम लोगों ने शुरू कर दी पढ़ाई, और पता नहीं, और ऐसा था कि मॉड्यूल बनाते थे, बुक बनाते, PPT बनाते थे, ऐसे ऐसे करते करते सर आरएस उसवाल क्या बनाते थे, नहीं पता कैसे बनता था सर, गूगल करके भाई सुनो भाई, गाइस एक मिनट, हम जो भी गूगल में क्वेश्चन सोल्व किए थे, अरे नहीं था कि तुम कभी ऑनलाइन सर्च करोगे कोरा पे तो उसका आंसर नहीं मिलता है, तो बोलता है कि फ्यूचर कभी मिलेगा तो हमको मेल करेंगे, मैं जो आज मेल आता है हमको कि हमको आंसर मिला है, उसको हम रिप्लाई देते हैं कि भाई हम जिसके लिए कर रहे थे ना वो कर रहे हैं, लेकिन खत्म हो गया है, अब हमको मेल नहीं करो, तो बात वहाँ पे थी, बात तो सही वाला, वो कोरा पे भी क्वेश्चन नहीं मिला, तो इरोडॉप को हम नेगलेक्ट मान के चलिए, क्योंकि उसके बाद फिर तो पता चलेगा आपको कि कौन किस लाइन में गया, तो आप फिर सवाल करना छोड़ दीजिए, बताइए सर आप किस लाइन में, अब मेरा लाइन जो है छोड़िए सर, बताइए सच्चाई बात सर, जब करियर को हम लोग फक कर ही रहे हैं तो सच्चाई बता रहे हो, हाँ फाइटर बैच था, स्टार्टिंग का हमारा IIT JEE निकालने का टाइम पे हमारे अंदर आ गया था कि नहीं अब JEE करना है, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, गाइस जब हम 10 मिनट का ब्लॉग बनाएंगे और 10 मिनट में 500 चीजें कवर करेंगे, सच्चाई तुमको आज हम हमारा यही दूर से निकाल सकता है, हम लोग क्या थे
सुनिए हमारी बात की आईआईटी निकालने का, तो आईआईटी का शुरू हुआ हमारा जनवरी से, जनवरी से लेके जून आया, तो जून आने पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब आईआईटी तो खत्म हो ही चुका है, बोर्ड बचा लेना है, बोर्ड बचा लेना, तो फिर हम लोग अपने आए औकात पे, जिसको हम लोग कहते अपने अपने औकात, जून से हम लोग सबसे पहले भागा कौन, एनसीईआरटी स्टार्ट किया, ठीक है, वो भी नहीं, गरीबी में आटा गिरा इसी को कहते हैं एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल तक नहीं, ठीक है, जून के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब सिर्फ और सिर्फ पिछले साल का, नहीं जून के बाद नहीं, जून आज नवंबर आया, नवंबर के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पिछले साल का बनाएंगे सिर्फ वो क्या कहते हैं उसे आप सैंपल पेपर, सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर, लेकिन जैसा कि आप हंसी देख ही सकते हैं बेरा गर्ग वहां भी हुआ, ऐसा ऐसा बेरा गर्ग हुआ, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया अब हम लोग एक साथ अगर रहे कुछ नहीं, हम लोग अलग अलग हो फिर भी कुछ नहीं, भी कुछ नहीं हुआ, सच्चाई यही है, और उसके बाद आपको लाइन बताई है, तो इस तरह से हमारे हमने इलेवेंथ की सुनाई दी होगी, इसने कहानी ट्वेल्थ की मैंने सुनाई दी, तो इलेवन ट्वेल्थ यहाँ पे खत्म हमारा, उस बीच में बहुत कुछ आया, एक राठौर नाम का था जो आया था लड़का, वो भी पूरा यूपीएससी क्लियर करने का हमको सपना दिखा कर चला गया, उसके बाद गया 11th 12th के बाद हम लोग जब अलग अलग हुए तो सब अलग अलग लाइन में गए, उसके बाद परसेंटेज बताना, अरे सर ये तो बताइए सर, अरे ये तो बताइए सर, गाइस जिसका तुम लोग बात कर रहे हो ना, जिससे बात कर रही, जिसका ब्लॉग देख रहे हो, ठीक है भैया आ रहा है, आ रहा है थोड़ा नजदीक में गाइस, अब बताते हैं आपको, चलिए मान लीजिए ये अकेले चला गया, ये अकेले चला गया, ये अकेले चला गया, रिजल्ट आया 12 का, ये भी पास हम फेल कारण बताना भाई, कारण देखिए क्या था सर, ये तो सही में 11 जो भी किया समझ गया, 12 जो भी किया समझ गया, हम तब तक भी हार नहीं माने थे कि हमसे जेई नहीं होगा, हम तब तक भी जेई की तैयारी कर रहे हैं, नहीं नहीं वो भी एक 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 और कहानी, जेई की तैयारी हम लोगों ने की थी, लेकिन बता रहे हैं बात ऐसा होता है, जेई का जेई के पेपर में भी बैठे थे, कॉन्फिडेंस हाई था भाई, लगा था कि जब प्यारे अंकित जैसा मिलेगा भाई, प्यारे अंकित था बोलता था ई क्वेश्चन सॉल्व करो तुम्हारा रैंक, और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे रात भाई, आज भी हमको क्वेश्चन याद है कि पाराबोला का लेफ्ट साइड पे इक्वेशन निकाल रहा है, राइट पे डायगोनल निकाल रहा है, बहन जो सर अगर आप देख रहे हैं तो बताइए कहां यूज हो रहा है, कुछ नहीं वहां पे तो यूज हुआ नहीं, क्या होना था सर, 50% 70% 80% ऐसे नंबर आया था हम लोगों को, ये थोड़ा सा परसेंटाइल से चूके तो आईआईटी नहीं हुआ, इसका मतलब आईआईटीएन नहीं है, और देखिए सर तो बताते हैं गाइस आप लोगों को, ई बी पास हम हो गए फेल, ठीक है, किसमें फेल हुए, मैथ में फेल हुए, मैथ ही बनाता था हमेशा, और सबसे ज्यादा हमारा कोई सब्जेक्ट अच्छा था तो मैथ ही था, और मैथ में ही फेल हो गया, मैं बताता हूं मैथ्स का ये कितना देखता था कि इसका घर मेरे घर से कितना किलोमीटर दूर होगा, किलोमीटर उसको बोलते हैं फोन पे, तो भाई ऐसा लड़का ऐसा लगा था, लगभग 4 किलोमीटर होगा इसका, और हम लोग ये सुबह सुबह स्कूटी से आता था, मुझे घर से उठाता था और लेकर जाता था वहां पर लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी विजन में सिर्फ मैथ बनाते थे हम लोग, देखिए और ये दोनों जाता था, उस टाइम हम नहीं जाते थे, तो हमको लगता था यार ये दोनों कितना पढ़ रहा है, फिर हमको एक टाइम में लोगों से गुस्सा आने लगा कि यार इतना पढ़ लिया मैथ हम नहीं पढ़ पा रहे, फिर मैंने सोचा मैं भी अकेले मैथ बनाऊंगा, मैं बनाने बैठा तो मैं अकेले बना रहा था, तो मैं बनाया, फिर एक क्वेश्चन में देखो तो मैं बोला कि ये दोनों पढ़ रहा है, इन दोनों से पूछ रहा है, जब इन दोनों से पूछने गया तो पता चला इस सब का तो मेरे से भी ज्यादा बदतर हाल है, मैथ नहीं बना देते हम लोग, मैथ बनाते नहीं थे, मैथ हम लोग को बनाता था कि तुम करोगे तो बन जाओगे, उसके पीछे बनाते हैं, बात ये था कि जो क्वेश्चन नहीं बनता था ये पीछे ये किधर दिखाइए ये पीछे पर उल्टाता था, वहाँ पे आंसर होता था, सीधा आंसर लिखा होता था, डी डी देखता था 25 आंसर है, और भाई साहब का 25 आंसर आ जाता था, गाइस एक कमेंट करो, यूनिक टैलेंट ये है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है कि हां बस फ्यूचर देख ही रहे, हां फ्यूचर देख रहा था दिल्ली के कंडक्ट प्लेस, आज भी हम लोग 5 साल पहले फोटो दिखाएंगे, और एक इको पार्क में बैठे हुए थे, और 5 साल बाद हम लोग दिल्ली से पटना आ चुके हैं, अभी बात ऐसा है कि पटना के बाद ग्रेजुएशन के लिए सब अलग अलग गया, देहरादून गया मैं, दिल्ली आया ये, चेन्नई गया ये, बताओ तुम क्या किया, बीएससी किया, मैंने तो बीएससी करा, ऑनर्स करा, इसने तो प्रेस खाला है, बीबीए आप समझ रहे हैं, बीबीए क्या है, इतना डैशिंग कोर्स है, हाथ ऐसे फैलाइए भाई, और ये वालों के लिए, और ये तो भाई क्या बताएं, वही जो सब करता है बीटेक, और बात सुनिए ये बहुत सही बात था कि हम लोग अलग हो गए, अगर अलग नहीं हो रहे होते तो सिटी पे यहाँ पे बहुत लोग चाय सिकंजी ये सब बेच रहे हैं, भाई माँ कसम सीधे बताया नहीं अलग हुए थे ना,
उसको एक ही साथ करते हैं, तो बीटेक करते हैं, फिर बीएससी या फिर बीबीए या सोसाइटी। नहीं नहीं, ये तीनों कोर्स में हम लोग को तीनों को 30-30 बैक लगा होता है अब तक। हाँ गारंटी है। लेकिन जाते जाते मैं एक बार जरूर बोलना चाहूंगा कि इतने 5 साल के बाद मिल रहा हूँ उससे, ये जो ट्राई है ना ये मेंटेन रह गया। ये तो भाई ये सर, मेंटेन है सर। ये तो गजब। 4 साल में आपका बैक लगा? नहीं तुम्हारा लगा ना। और आज मेरा 6 सेमेस्टर का रिजल्ट है, हम पास है, आज ही आया सर। आज पार्टी होगा, दोस्ती गिने चुने से मेंटेन था तो मेंटेन ही रहेगा, अब मेंटेन ही रह जाएगा। देखिए ऐसा है कि किसी का नाम नाम बोलना बिल्कुल नहीं भूलिए। और सर कांड और गाइड आप लोग, और आप लोगों को कांड बताया ना सर, कांड तो जिंदगी में बहुत किए हैं। 10 रुपए लेके आते थे हम लोग, 10 समोसा भी खा लेते थे, उससे 4-5 रुपए लेके चले आते थे। डीजर में एक था कैंटीन, उसके अंदर गए, 10 समोसा खा लिए, 10 रुपए दिए। डीजर में दिए हो तो भाई 500 दिए। इसका दोस्त भी था, दो दोस्त था, एक तो उमर दराज था, सतीश नाम था उसका, एक दूसरा था जिसका नाम रंजन था। अबे सतीश आज डीजर में उसको ये बोलता था दिखाओ दिखाओ, पता नहीं क्या दिखाने क्या बोलता था भाई, बताओ जरा क्या दिखाने के लिए बोलता था रंजन। और बताइए सर, और आप देख ही पा रहे होंगे कैसे एक शरीफ इंसान को बर्बाद कर दिया ये दोनों मिलकर। गाइस समझ जाइए, अभी अभी देखिए हम लोग जहाँ भी, हम लोग जैसे थे वैसे, ये भी जैसा था सर थोड़ा हेल्दी हो गया, लेकिन जिसमें मेजर चेंज है वो ये है, डैपर डैशिंग ब्लडी यंग चैप है ये, बस हो गया भाई। हिंदी बता दे निहायती बखूबी, जो खूबसूरत इंसान होता है ना मूड इसी सब के लिए है। ये बताइए सर, 3 साल में कोई गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं आपकी? नहीं सच बताइए, दम लिटरली लिटरली गाइस मजाक नहीं, आज हम भी जो बताएंगे सच बताएंगे, बताइए जो होगा कमेंट लिटरली। बाप घर से निकाल लेगा, निकाल लेंगे। गर्लफ्रेंड बनती तो इन वर्ड को यूज नहीं करना चाहिए, बीप कर देना, बोल देना रंडों के साथ नहीं रहते भाई। पता है तुमको ब्रेकअप के बाद रंडा ही रंडी काम आती है, पकड़ के इसी को सोओगे तुम। और सर इधर आइए गाइस, कम हियर, आप अपना बताइए, सच बताइएगा सर। एक थी जो की चली गई तुम जगह पर देख, कहां दुनिया से? नहीं नहीं भाई छोड़ के, और कहां ही जाएगी यार, एकदम प्रॉपर काटना उसके लिए वो जो भी थी, अगर वो वीडियो गलती से कभी भी तुम्हारे पास पहुंचे, योर लॉस। अबे तुम्हारा ही इतना अच्छा लड़का जिसके दो दोस्त जो कि कोई नूर, उसको तुम छोड़ दी विदाउट इंट्रोडक्शन, तुम्हारा गलती है। अब इन पर आइए, इन पर गाइस, हम शरीफ आदमी मॉडर्न संजय दत्त भाई, जो देखो जितना भी ट्रेजिक एंड हुआ सबसे ज्यादा इसी का हुआ। हाँ अबे जो क्लास में, जो क्लास में, जो क्लास में लोग पढ़ता था 23 जो बात किया ना उसी में मेरी गर्लफ्रेंड, लेकिन जो कि 2 साल तक ले इन लोगों को पता नहीं था चक्कर की ज्यादा पता कब जब ब्रेकअप हुआ। नहीं नहीं उससे पहले पता था, इसको पता था, इसको पता था, मुझे पता नहीं, इसको पता चला बाद, मुझे बाद में पता चला, अभी पता बात नहीं, यही बोले कि कोई बात नहीं जाने वाले जाते हैं, लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं सबको छोड़ के जा चुके हैं, जा चुके हैं साथ हैं हम लोग, इसीलिए कहा गया इंग्लिश में कहावत, ब्रोस बिफोर द होस्ट। भैया मेरे बहुत बहुत धन्यवाद, रॉक आकाश राज सिंह, हाँ वाह वाह वाह, आप पता है कौन है सेलिब्रिटी, मिस्टर अनिकेत आसू खान, ए प्रतीक, ए प्रतीक आलम, वाह 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 वाह, और जरा तो प्रतीक आलम आइदर रौनक अंसारी, बाय गाइस। नहीं गाइस किस प्लान बना था, अभी बताइए क्या क्या प्लान बना है गाइस, अभी हम लोग एक प्लान बना है, देखिए हम नाम तो बोलेंगे नहीं कि हमारा स्टार्टिंग से प्रोनाउंसिएशन खराब है, क्या पता ये लोग फिलो कुछ बोल रहा था, तो प्लान ये बना है कि शिवाजी मेट्रो पार्क से यूलू लेना, ठीक है, उसके बाद यूलू से 12 कम्बल घूमते हुए एकदम मस्त इंडिया गेट जाना, इंडिया गेट पे मस्त खाना वाना थोड़ा घूमना उमना, उसके बाद वहाँ से टैप करते हैं। अच्छा, उसके पीछे करियर है, आप पीछे बैठेंगे 3 यूलू मिल जाए, 3 यूलू ये बताइए अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ कहीं जाएंगे, वहीं आगे ही है समझ रहे हो, अब लिया ना तो उसको पूरा परम बकचोदी होगा, और ऐसा होगा ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है।
क्योंकि ये लोग हमारे साथ मेरे दोस्त है और जैसा इनका बैकग्राउंड रहा है पता है हमें क्या करना होगा। मेट्रो दुबला में दोनों गई माया मिली न राम, ऐसा हाल होगा। लास्ट में क्या होगा, ओला करेंगे, घर जाएंगे, जोमेटो करेंगे ऑर्डर करेंगे, निकालेंगे तो आप देखते एक मिनट निकालेंगे और हिलाएंगे ऑर्डर करेंगे निकालेंगे खाएंगे क्या उसके बाद। लेकिन अब देखिए यहाँ तक का ये प्लान है, दो प्लान बता चुके आपको, अब देखिए इस दोनों प्लान में से एग्जीक्यूट कौन सा हो जाता है, मिलते हैं। अभी हम लोग तीन चार प्लान बनाए थे जिसमें से पता नहीं प्लान वाला रिकमेंड था कि नहीं। अब हम लोग यहाँ पे खाने आ गए, अब लिटरली बता रहे हैं प्रतीक सुनना, सच बता रहे हैं ना, माँ का सब हमको कुछ भी समझ में नहीं आया ऑर्डर किया जाए। क्या आप भी उसी कैटेगरी के हैं क्या? सेम। देखते हैं किसी का प्लेट में झांकते हैं और थोड़ा मैच करते हैं, इमेज मैच करेंगे फिर ऑर्डर करेंगे। पूरा आइडिया नहीं, वहां से पढ़ भी सकते हैं। हां तो पढ़ के समझ में आएगा क्या होता है उसके बाद। समोसा विद कढ़ी क्या होता है? वाओ नाइस ट्रांसलेशन। एक बात बनते हैं, हम लोग जो प्लान बनाए थे जो चीज शामिल नहीं था वो चीज कितने लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जो प्लान बनाए थे प्लान नहीं ना था, जो प्लान बनाया था वो प्लान नहीं था, बताया था आपको हम लोगों ने दो प्लान बनाया, दोनों के बाद एग्जीक्यूट क्या होता है वो बताएंगे। अब देख रहे हैं एग्जीक्यूट कौन है, इसलिए एग्जीक्यूट हो रहा है तीसरा प्लान, इसीलिए कहते हैं एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। थैंक यू। वाओ, जैसे कि ब्रेकअप का एक्सपेक्ट नहीं था ब्रेकअप हो गया शादी का एक्सपेक्ट करा था ब्रेकअप हो गया। चलिए गाइस अब यहां से फिल्म बन लीजिए ठुसम ये होगा। और सर खाना कैसा? अच्छा। जो खाना बोलते हैं क्या, चाट को छोड़ के सब कुछ अच्छा। चाट खराब है क्या? सही ठीक है, तो उतना भी अच्छा जितना एक्सपेक्ट था। चेंज करवा दे क्या? जिंदगी में सब कुछ गलती करना, बट अपने दोस्तों के साथ कुछ भी प्लान मत बनाना। खाने के बाद से अभी तक बैठ के हम लोग फोटो एडिटिंग चल रहा है, फोटो एडिटिंग चला, फोटो फोटोजेनिक यहाँ पे सच बताए तो कोई भी नहीं है, लेकिन फोटो इतना अच्छा आ गया ना कि बस वो इतना नहीं, फोटो अच्छा नहीं है, फोटो में हम लोग हैं और जो प्यार है ना वो चीज फोटो को अच्छा बना दिया है। बस अरे उसी को तराशते हुए बस देखते रहे, नजर नहीं हटती। वो एक गाना है ना तेरे चेहरे से, तो यहाँ पे हम लोग तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजरे हम क्या करें। बोल ले बोल ले आधे घंटे से यही बैठ के फोटो एक दूसरे का देख रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं जो बकचोदी कर रहे हैं। ओके गाइस, अब सीधे साइकिल लेने के बाद मोटरसाइकिल पे मिलते हैं। भाई क्या बोले हो भाई, तुमसे पहले क्या पूछ रहे थे हमसे? गाइस हमसे पूछा कौन सा आइसक्रीम खाएगा, हम इसको बोले बाप जन्म 10 रुपए वाला खाए हुए, अभी तुम वैरायटी पूछ रहे हो। इसका एक प्लान था क्या, तो यब तक से चलने का, इसका प्लान बोझरी के फेल हो गया। ए गाइस, ए अरे उसको 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 दिखाओ, उनको तुम्हारे गांड वांड में कोई पेट्रोल डाल रखा है क्या भाई? अबे बैठे भी नहीं ठीक से, तुम प्लान बना रहे हो, तुम्हारा एक भी प्लान सक्सेस नहीं हो पा रही है। हाँ गाइस, तो लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी इस ब्लॉग में, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि क्या क्या खाना है, उसके बाद दिखाया भी था कि हम कहाँ पे पहुँच रहे थे, हमारा क्या प्लान था, उसके बाद प्लान हमारा बना। बताते हैं क्या, यहाँ पे यूलू ऐप है, यूलू की आपको बाइक मिलती है और आप सीपी घूम सकते हो, अच्छे से इंडिया गेट तक जा सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, ये महानुभव ने डिसाइड किया कि यूलू। अरे तो सर आप नेता में खड़ा नहीं हो रहे हैं जो इसे हाथ हिला रहे हैं। तो इसने हमें कहा कि चलो यूलू करते हैं, यूलू करके हम लोग सब घूमते हैं, हम लोग भी तैयार एकदम, चलो भाई यूलू करते हैं। बहुत हो गया पैदल चला हुआ, यूलू ऐप डाउनलोड करवाया इसने, तो हम लोगों ने कर लिया। हम लोग जैसे एमबी वेस्ट हो गया, स्पेस रन हो गया, और हम लोग जैसे ही यूलू ऐप वाले के पास पहुंचे, पता चला यूलू वाले ने सर्विस बंद कर दी है। तो इससे ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी किस्मत पनौती नहीं है, पनौती को हमारी किस्मत लगती है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमारा दोस्त जो है ना वो पनौती है। हाँ, तो अब इतना कुछ होने के बाद हम लोग उसके बाद क्या किया, एक पानी का बोतल खरीदे, तीन आइसक्रीम खरीदे, तीनों खा के इस रोड पे ऐसे बेघर लोगों की तरह बैठे हुए हैं, ठनक रहे हैं, सिर्फ ठनक रहे हैं, ठनक रहा है भाई, ठनक रहा है, ठनक रहे हैं, ठनक ना कहाँ रहे, कहाँ ठनक रहा है। बस यही हमारा चल रहा है, और हमारा प्लान है, और हमारा प्लान है आज का कि कैसे भी करके घर नहीं जाना। 24 आवर सर्वाइवल इन आउटसाइड ऑफ माय रूम, 24 आवर सर्वाइवल आउटसाइड द होम। हम लोग सुनिए सर, एक सर, एक सर, लड़का सेक्सी लग रहा है ना, डैपर यंग है, देखिए कर दे क्या, देखिए पानी ज्यादा व्हाइट, ये लड़का ज्यादा व्हाइट।
गाइज कमेंट करो यार, जिसको पसंद है डीएम करो, सीधे ईमेल दे देंगे, बिल्कुल करे। अच्छी पार्ट जो भी आपको लगी हो ना उसमें कमेंट पक्का करे। अच्छी पार्ट मतलब कि बॉडी पार्ट? नहीं बॉडी पार्ट नहीं, इस वीडियो इस वीडियो में जो भी अच्छी पार्ट आपको लगी हो उसमें कमेंट करें। अगर नहीं भी लगी हो ना तो इसके लिए एक कमेंट पक्का करें। हाँ सालो। और कमेंट दिल करें। दिल तो होना चाहिए उस कमेंट के आगे। नंबर से डाल देंगे, नंबर आपको मिलेगा। बाय गाइस, हजार कमेंट आने के बाद नंबर मिलेगा। बाय गाइस, सी यू ऑल। अबे गाइस, अभी टाइम हो रहा है 1:02:15, ठीक है। और हम लोग अभी है सीपी में, ठीक है। और इस सीपी में हम लोग CCPP कर रहे हैं। सी मतलब चूतिया, पी मतलब पर्सन। सीपी का फुल फॉर्म चूतिया पर्सन। चूतिया पर्सन तीन लोग, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करे नहीं करे। मन तो कभी कर रहा है कि इसको ऐसे बुलाए, ऐसे ऐसे कमरिया करे, लव करने लगे। गाइस मजा आ रहा है, रात का भोकाली मजा आ रहा है सीपी में। सीपी का नाइट लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। पहली बार एक्सप्लोर करने निकले थे और हमारा टारगेट है कि सुबह यही करना है, चाहे कैसे भी हो। ओ बंदे बंदे, तो देख ही रहे हैं नाइट लाइफ का। अब देखते हैं आज क्या होता है। नाइट लाइफ सही है, ठीक है। एक मिनट, अब चढ़ क्यों रहे मेरे ऊपर? मैं चढ़ नहीं रहा हूँ तेरे ऊपर, मैं तो बस बता रहा हूँ कि नाइट लाइफ ऐसा ही होना चाहिए, एंजॉय करनी चाहिए एक बार आप। गाइस एक बार ऐसे करके हर एक्सपीरियंस हम लोगों ने ले लिया है। बाकी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आई लव यू टू। अबे छिनरा हो गया तुम्हारी तरह। कहा गया है गाइस कि बदचलन रांड से दूर रहनी चाहिए 100 गज की दूरी, तो ये वही है बीच वाला। एकदम इसी तरह दूरी बना के रखूंगा। बाय गाइस, अब देखते हैं। अरे सर, अरे वहाँ अपोजिट में देखते हैं। बाय गाइस, अब देखते हैं, मतलब सही में देखते हैं।